हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ये बता सकें कि किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने की संभावना, टफ क्वेश्चन पेपर आने की संभावना बनी हुई है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको ओरली ये बात बताई थी कि किसका सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन, किसका सबसे मध्यम कॉम्पिटिशन और किसका सबसे कम कॉम्पिटिशन रहने वाला है। बट आज हम कुछ फैक्ट्स के आधार पर आपको ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर भी आने वाला है। आपको डिफरेंस समझना होगा। कंपटीशन तो इस आधार पर बताया जाता है कि नंबर ऑफ़ सीटों के हिसाब से कितने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, बट नंबर ऑफ़ सीटों के आधार पर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस पर पेपर ज़्यादा टफ बनेगा। ओके, तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन टीजीटी में किसमें रहने वाला है, तो आपका वो सोशल साइंस, कॉमर्स, हिंदी, उर्दू, म्यूज़िक प्लेइंग, म्यूज़िक सिंगिंग और साइंस में रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि कंपटीशन इनमें क्यों सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो फॉर्म्स डाले गए हैं वो सबसे ज़्यादा डाले गए हैं एज़ कम्पेयर टू सीट्स। लेकिन अगर हम इस आधार पर बात करें कि सीटों के आधार पर पेपर सबसे ज़्यादा टफ किसका आएगा, तो इस बार सबसे ज़्यादा टफ पेपर आपका कॉमर्स का, उर्दू का, म्यूज़िक प्लेइंग का, म्यूज़िक सिंगिंग का आएगा। ऐसा क्यों? जिसमें सीटें कम होती हैं तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स अगर 10-20 हज़ार भी हैं तो उसके बाद भी उसका पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है। उसके अलावा सोशल साइंस में हालांकि सीटें टीजीटी में ज़्यादा हैं, बट फिर भी इसका पेपर टफ आएगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ फॉर्म जो हैं वो सबसे ज़्यादा पड़े हैं इस वजह से। ठीक है, बाकी आप नंबर ऑफ़ सीट्स के आधार पर देख सकते हैं कि उर्दू, म्यूज़िक प्लेइंग, म्यूज़िक सिंगिंग में बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं, इस वजह से इसका टफेस्ट पेपर आने की संभावना बनी हुई है। और वही आपके साथ कॉमर्स के साथ भी है। आगे अगर हम बात करें मीडियम कंपटीशन की, तो जो मध्यम कंपटीशन रहेगा आपका टीजीटी में वो इंग्लिश में, मैथ में, होम साइंस में, आर्ट में और संस्कृत में रहेगा। ठीक है, मध्यम कंपटीशन रहेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि आर्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, तो आर्ट में कंपटीशन लोग इस आधार पर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा हैं। बिल्कुल भी नहीं, नंबर ऑफ़ फॉर्म तो ज़्यादा पड़ते ही हर ही बार, लेकिन आर्ट में इस बार क्वेश्चन टफ आने की संभावना है, पेपर टफ आने की संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीटों के, नंबर ऑफ जो फॉर्म्स पड़े हैं उसके हिसाब से सीटें कम हैं। अदरवाइज सीटें आपकी नॉर्मल हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा पड़ गए इसलिए पेपर इसमें टफ आएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कंपटीशन रहेगा ये नहीं बोलेंगे। मध्यम का भी मतलब ये है कि 80% कंपटीशन इनमें रहेगा। आगे हम बात करें तो बाकी सब में नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे जैसे आते हैं। होम साइंस में भी इस बार आर्ट और होम साइंस दोनों में ही इस बार टफ पेपर आने की संभावना बनी हुई है। कॉम्पिटिशन तो इस आधार पर है कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं, और सीटों के आधार पर हम बता रहे हैं कि कितने, किस पेपर का जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा टफ आएगा। देखिए, सबसे कम कंपटीशन आपको मिलेगा फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और स्विंग में, लेकिन तब भी स्विंग जो है उसमें आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आएगा क्योंकि केवल 19+4, केवल इतने ही आपके क्या हैं, बालक के लिए 19 और बालिकाओं के लिए 4 सीटें, तो केवल इतनी ही सीटें आपकी हैं। इस वजह से जिसमें सीटें कम होती हैं तो उसका एग्जामिनर क्या करते हैं, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जिसमें सीटें कम होंगी तो अगर उसमें 5,000 लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा तब भी वो उसका पेपर टफ बनाएंगे। और उसके अलावा जिनमें भी कॉम्पिटिशन कम होता है, जिसमें लोग कम फॉर्म भरते हैं, उसका पेपर टफ आएगा ही आएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका हिस्ट्री, होम साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, मैथ, आर्ट, एजुकेशन, साइकोलॉजी में होगा। और सबसे टफ पेपर किस में आएगा भाई? कंपटीशन तो इसमें होगा, सबसे टफ पेपर आपका हिस्ट्री में आएगा क्योंकि हिस्ट्री में नंबर ऑफ़ सीटें बहुत ही कम है पीजीटी में, और नंबर ऑफ़ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। होम साइंस में भी हिस्ट्री के टक्कर का इस बार हो सकता है कंपटीशन, क्योंकि केवल आपकी 13 सीटें हैं टोटल। और केमिस्ट्री में भी आपका टफ होगा, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा नॉर्मल होगा, हाईएस्ट कंपटीशन इसमें होगा और पेपर भी टफ रहेगा इसका। कॉमर्स में भी बहुत टफ पेपर होने वाला है। उसके अलावा आपका आर्ट में भी पेपर टफ होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट के हिसाब से पीजीटी में आपका ज़्यादा आर्ट का पेपर टफ होगा एज कम्पेयर टू टीजीटी। और एजुकेशन और साइकोलॉजी में भी एक बार ताबड़तोड़ मेहनत आपको करनी होगी क्योंकि इसका भी पेपर इसकी सीट के हिसाब से टफ आने वाला है। आगे अगर हम बात करें मीडियम कॉम्पिटिशन की, तो इंग्लिश, संस्कृत, पीजीटी में आपका इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, बॉटनी और ज्योग्राफी में आपका मीडियम कॉम्पिटिशन रहेगा। और मीडियम कॉम्पिटिशन होने के बाद भी टफ पेपर किस में आएगा, तो वो आपका आएगा बॉटनी में।
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट आज कंपेयर टू कम है। उसके अलावा आपका टफ पेपर आ सकता है इंग्लिश में, ऑलराइट, इंग्लिश में भी आपका टफ पेपर आ सकता है। अगर हम बात करें पीजीटी की, मीडियम कंपटीशन रहेगा क्योंकि फॉर्म कम भरे गए हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सीट के आधार पर इसमें पेपर जो है वो टफ आने की संभावना बनी हुई है। अगर हम पीजीटी में लोवेस्ट कंपटीशन की बात करें तो वो रहेगा एग्रीकल्चर, लॉजिक, टर्क, म्यूजिक, वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और फिजिकल एजुकेशन, इसमें सबसे कम कंपटीशन रहेगा। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, सबसे कम कंपटीशन जिसमें रहता है उनका पेपर टफ होता है, ठीक है, पेपर टफ होता है क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, लोग कम है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपका सबसे ज्यादा टफ पेपर इसके बाद भी किसमें आएगा, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में, म्यूजिक वोकल में, क्योंकि इसमें बहुत ही कम सीटें हैं, और आपका एग्रीकल्चर में भी पीजीटी में टफ पेपर आ सकता है। तो अब आप डिफरेंस समझिए कि कॉम्पिटिशन किस आधार पर हम बताते हैं कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं, और पेपर टफ किसमें किस आधार पर हम बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। जिनमें कम सीटें होंगी उसमें कंपटीशन तो मतलब भले ज़्यादा या कम जो भी हो, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हों, जिसमें सीटें कम होंगी उसका पेपर टफ आएगा, और जिसमें सीटें सबसे ज़्यादा होंगी उसका पेपर नॉर्मल रहेगा। तो आई होप तो कि आपको ये फिगर्स, ये बात समझ में आई होगी। बाकी पिछले वीडियो में मैंने जो बोला था कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कॉम्पिटिशन किसमें रहेगा, तो उसी आधार पर हमने सोचा कि आपको क्यों ना ये भी बता दिया जाए कि अगर आपका लोवेस्ट कॉम्पिटिशन की भी श्रेणी में अगर आ रहा है, आपको भले उसमें मेहनत कम करनी है, लेकिन आपको उसमें ये ध्यान रखकर करनी है कि आपका पेपर टफ आएगा, तो उस पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको मेहनत करनी है। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।